प्रणाम भोजपुरिया जहान, प्लेनेट भोजपुरी में राउर स्वागत बा। भोजपुरी दुनिया से जुड़ल सब खबर सबसे पहले पावे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी जा और घंटी के बटन दबाई जा। लोग अरे होठ रसीले मेरे मैं मधुबाला, तुझको ना पीने दूंगी रस का ये प्याला। आज रात के बात बगोरी कला कंप्रमाइज, पार्टी चली फुल नाइट। सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को और जितने भोजपुरी श्रोतागण हैं उनको मैं नए साल की बधाई देता हूँ। आप सभी लोगों का नया साल बहुत ही मंगल बीते और सुपरस्टार आज मुझे मिली है नए साल के दिन। बहुत ही खुश हूँ मैं। और सुपरस्टार एक कलाकार का स्ट्रगल दिखाया गया इसके अंदर, कैसे एक सिंगर, एक कलाकार किन परिस्थितियों में आगे बढ़ता है, कितना स्ट्रगल करता है, कैसे कैसे ऊंचाइयों को चढ़ता है और एक सुपरस्टार बनता है, ये फिल्म में दिखाया गया है। वो स्टोरी एक्चुअली थोड़ा थोड़ा मिल रहा था मेरी लाइफ से, तो मैंने हाँ कर दिया इसलिए। और बहुत अच्छी लगी स्क्रिप्ट इसकी, कुछ हटके है। अभी काम चल रहा है उसके ऊपर अभी। और फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं आकाश चौहान जी हैं और डायरेक्टर मनीष सिन्हा जी हैं और बाकी जितने भी लोग रहेंगे मार्केट के लोग रहेंगे। जहाँ तक है तो मतलब कुछ गाने मेरे हैं जो मेरे हिट हुए हैं वो गाने इस फिल्म में रहेंगे और अलग भी गाने हैं, राइटर वगैरह लिख रहे हैं, अच्छे गाने लिख रहे हैं फिल्म में। और 4-5 गाने रहेंगे मेरे, बाकी और भी मार्केट में अच्छे अच्छे सिंगर हैं जो फिल्मों में गाते वगैरह हैं, उन लोग के भी गाने रहेंगे। अभी तो मेरा ये नया साल में गाना आया है, अभी 4 दिन में लॉन्च हुए, तो पार्टी चलेगी फुल नाइट, काफ़ी पसंद कर रहे हैं लोग उसे। अरे होठ रसीले मेरे मैं मधुबाला, तुझको ना पीने दूंगी रस का ये प्याला। आज रात के बात बगोरी कला कंप्रमाइज, पार्टी चली फुल नाइट। आधा सफ़र तो तय हो चुका है और आगे दर्शक जो हैं उनके ऊपर है, बाकी बाबा महादेव की कृपा बनी रही तो एकदम सफ़र जो है पूरा एकदम कंप्लीट हो जाएगा। मेरा तो सपना है कि दिनेश भैया के साथ काम करने का बहुत मन करता है। नहीं, अभी तक दिनेश भैया से कभी मिला नहीं हूँ। आइडियल है मेरे भोजपुरी के, और असल में भोजपुरी के जो सुपरस्टार हैं, असली सुपरस्टार दिनेश भैया ही हैं। दिनेश भैया की फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला और निरहुआ हिंदुस्तानी फर्स्ट जो थी, बहुत ही प्यारी फिल्म थी। और उनका जो जिस गाने से हिट हुए हैं, दुल्हन रहे बीमार निरहुआ सटल है, बहुत प्यारा गाना है। आने वाले समय में अच्छा ही सुनने को मिलेगा आप लोग को। और मैं हमेशा से ही मतलब कुछ नया ही करने की सोचता हूँ, कंपोजिंग वगैरह लेकर हमेशा मतलब सक्रिय रहता हूँ कि अच्छी कंपोजिंग दूँ। और बाकी तो पब्लिक के ऊपर है, दर्शकों के ऊपर है, क्या एक्सेप्ट कर रही है, क्या एक्सेप्ट नहीं कर रही है। प्लैनेट भोजपुरी।